यूपी में होगी 151,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। अप में जल्द ही 151,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन मांग लिए हैं। पुलिस विभाग में खाली पदों को भरे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है। खाली पदों के भरे जाने को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के मुख्य सचिवों और सह सचिवों से शुक्रवार तक रोड मैप तैयार कर बताने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बताएं यह खाली पद कैसे भरे जाएंगे। आपको बता दें कि कई राज्यों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1.51 लाख पद खाली हैं, जिस पर नाराजगी जताते हुए सीजेआई ने पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार क्यों नहीं मुहैया कराते हैं, आखिर इतने पद खाली क्यों हैं? जिस पर यूपी सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है कि रोजगार देने के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। कहा कितने पद खाली, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 54,000, तमिलनाडु में 19,000 से ज्यादा पुलिस विभाग में पद खाली हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 37,000, कर्नाटक में 24,000 से ज्यादा खाली पद हैं। झारखंड में भी 26,000 से ज्यादा पद पुलिस विभाग में खाली हैं। 6 राज्यों को किया तलब, उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में पुलिस विभाग के खाली पदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को 21 अप्रैल को तलब किया है। पुलिस विभाग में खाली पदों के मामले की सुनवाई करने के दौरान सीजेआई खेहर ने कहा कि यह मामला 2013 से लंबित पड़ा है, लेकिन इन राज्यों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बोले सीजेआई? सीजेआई ने कहा कि नोटिस भेजने के बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी करेगा और सारी भर्तियों पर पैनी नजर रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों के सुस्त रवैये पर सख्त नाराजगी जताई थी। सीजेआई ने कहा था कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस विभाग के सभी खाली पदों पर भर्तियां जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के मुख्य सचिवों और सह सचिवों से शुक्रवार तक रोड मैप मांग कर पूछा है कि बताएं यह खाली पद कैसे भरे जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि केंद्र सरकार एक हफ्ते के अंदर सभी राज्य सरकारों को कोर्ट का यह आदेश भिजवाने का इंतजाम करें। सीजेआई ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिस भी राज्य की सरकार अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी, उनके होम सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब किया जाएगा। 4.33 लाख पुलिस कर्मियों की कमी। सीजेआई ने कहा कि साल 2015 का पूरा रिकॉर्ड यह बताने के लिए काफी है कि देश में 4.33 लाख पुलिस कर्मियों की कमी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य बताएं कि उनके यहां पुलिस कर्मियों के कितने पद खाली हैं और उनको भरने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की पुलिस के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया है कि सभी सरकारी विभागों के लिए कमीशन बनाए गए हैं और सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस विभाग को लेकर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि देश में लगभग 50% पुलिस कर्मियों की कमी है। याचिका में पुलिस विभाग के लिए आवास और अन्य सुविधाएं के बारे में भी कहा गया है। याचिका के मुताबिक इतने पुलिस विभाग के इतने ज्यादा पद खाली होने की वजह से कानून व्यवस्था की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए राज्यों को तलब किया है।